Hey guys, good morning and welcome back to the channel with a new vlog on a new day and with a new energy to start the day. आवाज थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही होगी आपको बिकॉज अभी जस्ट सो के उठा हूँ यार, बाल क्या आ गया जरे मुंह के सामने. सो बस अभी बज रहे हैं 12:30 बज रहे हैं सुबह क्या बोल रहा हूँ दोपहर के. मतलब पिछले कई व्लॉग से मैं बोल रहा हूँ ना अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक करना है. मैंने ठीक कर भी लिया था, फिर क्या हुआ ना, फिर से मेरी जो रात को एडिटिंग की आदत है, और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है मैं बोलना चाहूँगा, वो है जब भी मैं कोई एडिट करता हूँ ना, मैं जब तक वो कंप्लीट नहीं करता तब तक सोता नहीं हूँ या कुछ और काम को शिफ्ट नहीं करता हूँ. मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ मैं एडिटिंग जब शुरू किया हूँ तो एंड कर लूँ, बिकॉज तब क्रिएटिविटी जब हाई रहती है ना, मतलब चलो इसके बाद ये डालना है जो भी दिमाग में चल रहा है ना एक ही टाइम पे, ऐसे छोड़ दिया उसके बाद फिर से वहाँ से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं एक ही बार में खत्म करता हूँ. और जब तक मैं रात को डिनर करने के बाद 11:30 को शुरू करता हूँ एडिटिंग, 12:30 हो जाते हैं, फिर उसको रेंडर करके अपलोड करो, अपलोड करने के बाद कैसे अपलोड हुआ है, क्वालिटी सारे चीज़ चेक करके शेड्यूल करो, इतना सब करते करते रात के 2:30 बज जाते हैं. अब अचानक से सोने को होता नहीं है, फिर थोड़ा इंस्टाग्राम यूट्यूब, बस ऐसे ही इंस्टाग्राम यूट्यूब को स्क्रॉल करते करते रात निकल जाती है एंड फिर बहुत लेट होता हूँ यार, 3:30-4 बज जाते हैं कभी कभी. तो वो चीज़ गलत है मुझे पता है, ये चीज़ को मुझे सुधारनी पड़ेगी. ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो मैं कुछ ट्रैवल वैवल नहीं कर रहा हूँ, तो घर में बैठा हूँ, तो मतलब रूम में हूँ, तो फिर ये चीज़ को मुझे ठीक करनी है. हाँ, जिस दिन ऑफिस जाता हूँ उसके आगे वाले दिन मैं प्रॉपर टाइम पर सो जाता हूँ, तो उस दिन सही रहता है. जोमेटो से जो एब्सोल्यूट बारबेक्यू है वहाँ से मैंने मंगा ली थी बिरयानी, कुछ ऑफर था तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा था तो मंगा लिए. पहले भी एक बार खाया है, अच्छा टेस्ट रहता है, इसके साथ कुछ स्वीट्स में डेजर्ट्स में गुलाब जामुन मिल जाते हैं, तो ये हमेशा मंगा लेता हूँ जब भी लाइक बाहर से कुछ मंगाना हो. अच्छा है ना, लाइक कंटेनर में मिलता है इसके साथ. तो इसको अभी हम यहाँ पर रख देते हैं एंड कुछ एक मीटिंग है वो अटेंड करते हैं एंड उसके बाद बैठ के खाते हैं. खाना खत्म किया एंड फिर पार्सल आ गई अपनी नई शूज की, अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या है, मतलब कैसा दिख रहा है. पता तो है कैसा शूज है बट कैसा एक्चुअली में लग रहा है. ये मेरे व्हाइट शूज हमेशा मेंटेन रहते हैं लेकिन अभी थोड़े गंदे, बिकॉज मुझे पता था नई शूज मंगाए हूँ तो आ रहे होंगे, बट फिर भी इसको साफ कर लूंगा. कंडीशन बिल्कुल अच्छा है शूज का, कहीं से कुछ भी खराब नहीं हुआ है, खाली बस गंदा हुआ है, इसको बस साफ करना है. एंड बहुत दिनों से एक ही शूज पहन रहा था, मतलब बाकी शूज में घर से लाया नहीं था एंड बस यही है. ये एक शूज था और एक ट्रेकिंग शूज वो जो लाए थे अपने पुणे वाले ट्रिप में वो है, और ये है अभी एक नया एडिशन है, देखते हैं ये कैसा है इस बार. लेकिन मैंने व्हाइट शूज नहीं मंगाए हैं बिकॉज बहुत व्हाइट शूज पहन लिए हैं, इस बार थोड़ा एक डिफरेंट कलर ट्राई करेंगे. ब्लैक तो नहीं मंगाऊंगा बिकॉज ब्लैक इतना अच्छा लगता है नहीं मुझे शूज में, बट कपड़ों में जब मैं ऑल इन लाइक ऑल ब्लैक पहनता हूँ तभी अच्छा लगता है सिर्फ. एंड ठीक है, यार काफी बढ़िया है यार, ये कंप्लीट एक स्नीकर्स तो नहीं बोलूंगा, मतलब मस्त है यार ये स्नीकर्स, एक बूट वाली फीलिंग दे रही है ये एंड काफी कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. मैं ये 8 नंबर वाला मंगाया हूँ, चीज करके 7 लाऊं क्या, मतलब तो इतना सा बस इतना सा, ये जो है ना देख सकते हो यहाँ पे यहाँ तक आ रही है टो. ठीक है, सॉक्स पहन लूंगा तो फिर टाइट बैठ जाएगी और लेस भी टाइट नहीं है अभी, बिकॉज कई बार क्या होता है ना ये वाले शूज में क्या दिक्कत आएगी आपको पता है, ये देखो यहाँ पे व्हाइट वाली है कलर, यहाँ पे जितनी दिक्कत नहीं आएगी ये ब्लैक वाली कुछ दिनों बाद निकलने शुरू कर जाएगी, मतलब इसमें जो आठा लगा है ना ये निकलना शुरू कर जाएगी. लेकिन इसमें देखो इसमें कोई भी वैसा लेयरिंग नहीं था, तो मैं यूजुअली थोड़ा अवॉइड करता हूँ जहाँ पे ये ऐसी, ये डिजाइन तो काफी अच्छी लगती है लेकिन फिर ये निकल जाती है ना फिर गंदा दिखने लगता है, फिर इसको चिपकाओ. चलो कोई नहीं, जितने दिन तक अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे बिकॉज ये कलर काफी पसंद आ रहा है मुझे एंड अच्छा भी लग रहा है यार. आप लोगों से एक बात जाननी थी कि अभी आप लोग कैसे काम करते हो, मतलब जो भी लोग अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हो आईटी सेक्टर में, तो उनसे मुझे एक सवाल है कि आप लोग अभी ऑफिस जा रहे हो या फिर घर से काम कर रहे हो, आपका मतलब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है या फिर चल रहा है और फ्रॉम ऑफिस शुरू हो चुका है, हाइब्रिड में चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो. बिकॉज अभी क्या है ना, मैं जब भी ऑफिस जाता था कुछ काम के लिए जाता था, लाइक 2-3 आवर्स के लिए जाता था, हाँ चलो आज ये टीममेट आ रहा है इसके साथ मिलके ये काम खत्म कर देना है, फिर ऐसे चलते आता था. लेकिन अब से ना कुछ भी काम हो मेरे को ऑफिस में जाके करना होगा एंड वीकली ये मुझे 2 दिन करना है, तो हाइब्रिड मोड में मतलब ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से शुरू हो चुका है, तो मुझे अब से ऑफिस तो जाना पड़ेगा. जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं ऑफिस जाना शुरू कर भी चुका हूँ, बट मुझे बस वही जानना था मतलब आपका ओपिनियन क्या है, घर में बैठ के ज्यादा काम कर सकते हैं या फिर ऑफिस जाने से ज्यादा काम होता है. देखो मुझे फ्रैंकली पूछोगे ना तो मैं सच सच बता रहा हूँ, देखो ऑफिस जाने से क्या बेनिफिट होता है वो तो खैर
जाने के बाद मुझे पता चलेगा, अब तक तो मैं गया नहीं हूँ। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम की बात किया जाए ना, मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, देखो काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑफिस में ज़्यादा होता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। वो पता नहीं आप जहाँ पे भी 8 आवर्स टाइम दोगे करोगे, लेकिन आपके लाइफ के बहुत टाइम बचते हैं यार अगर ऑफिस नहीं जाते हो तो। मतलब मान लो अगर मैं अभी ऑफिस में हूँ एंड मुझे 8 आवर्स की या 9 आवर्स की काम करने हैं, मैं ऑफिस में बैठा एंड 9 आवर्स का काम खत्म कर लिया, यहाँ पे घर में बैठता हूँ तो 8 आवर्स अगर बैठूंगा तो वो काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपके लाइफ के जो टाइम बचते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, दैट इज आपको जो ट्रैफिक मिलती है जाने के वक्त, आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, रेडी होने में जो टाइम वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। दूसरी बात ये, अभी ना अगर आप घर पे काम करते हो तो आपने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी, आप लोग जब भी लंच करते हो या डिनर करते हो, स्नैक्स करते हो, टी ब्रेक लेते हो, वो सब आपके टेबल के पास हो जाता है। अब ऑफिस में जाओगे तो कलीग के साथ जाओगे, एक दो दोस्तों के साथ जाओगे, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ी बहुत उनसे बातचीत करोगे, टाइम पास होगी, गप्पे शप्पे होंगे, तो वो थोड़ा टाइम जाता है। बट एनीवेज ऑफिस जाते हैं तो पता चलेगा वहाँ पे क्या होता है। बहुत जल्दी मुझे अभी ऑफिस जाना शुरू करना पड़ेगा एंड आई होप कि शायद अगला वाला व्लॉग जो होगा मैं कैसे क्या ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के अंदर क्या, तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, व्लॉग नहीं कर सकता मैं, बट मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ चीज़ें हो सके तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अगले वाले व्लॉग में। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, लेट आफ्टरनून हो रहा है फ्राइडे को, थोड़ी देर में शिफ्ट खत्म होती है एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अभी हम लोग प्रतीक के पीजी में, ये देख सकते हो आप लोग, ये प्रतीक बोल इधर। हाँ यही था जो हेल्थ के ऊपर अभी डिस्कस कर रहा था।